नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा काशी वाराणसी में चल रही थी और हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का समापन हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि पूजनीय महाराज जी अपने भक्तों से बहुत लगाव रखते हैं। इसी कारण जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की काशी से विदाई हो रही थी तो वो भावुक हो गए। आपको बता दें कि काशी में चल रही इस कथा का मुख्य उद्देश्य पितृ तर्पण का था, जिसका समापन हो चुका है। महाराज जी ने काशी में अपनी अंतिम विदाई पर लोगों को नमस्कार करते हुए विदाई ली। और आपको बता दें कि अब बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम बागेश्वर धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। वैसे महाराज जी की इस कथा में उन्होंने एक नई पहल की, जिसमें उन्होंने वहाँ के लोगों से आग्रह किया कि काशी में मांस और मदिरा पर रोक लगाएं, जिस पर लोगों ने रजामंदी दर्ज कराई है। वहीं काशी में कथा के दौरान जगत गुरु राघवाचार्य जी का आगमन हुआ था और इस दौरान उन्होंने भी बागेश्वर धाम सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए उनका समर्थन किया है।